हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितेश व्लॉग्स और सिविल इंजीनियरिंग प्रो। तो आज इस चैनल में बात करने वाले हैं DSU कैंपस प्लेसमेंट जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो आपको एक टॉपिक वाइज सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कौन कौन सब्जेक्ट है? तो सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, बिल्डिंग मटेरियल RCC, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, सॉइल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड ऑटोकैड, ये सभी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल से स्टार्ट करते हैं और ये पूरा सीरीज़ मैंने लाया है कि सर सारे सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि पहला चैप्टर है और बिल्डिंग मटेरियल, जो कि सीमेंट और ब्रिक के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो सीमेंट से पूछते हैं कि सीमेंट क्या काम करता है। तो सीमेंट क्या एडहेसिव और कोहेसिव मटेरियल है, ठीक है, चिपकाने का मदद करता है, बाइंड करता है सीमेंट। और पोर्टलैंड सीमेंट जो कि 1824 में खोजा गया था जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की बात करें तो मिक्सिंग किया जाता है, बर्निंग, और थर्ड प्रोसेस है ग्राइंडिंग। और दो मेथड इसके, ड्राई मेथड है जो कि अब नए प्रोसेस है, और वेट प्रोसेस जो ओल्ड मेथड था। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ PPC जो कि 3 दिन में 16 न्यूटन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है, और 7 दिन में 22 न्यूटन और 28 दिन में 33 न्यूटन। अगले चलते हैं। जो फंक्शंस और इंग्रेडिएंट्स जो सीमेंट के अंदर होते हैं, जैसे कि लाइम होता है, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, कैल्शियम सल्फेट, सल्फर, एल्किलीज, इन सभी के फंक्शंस ये पूछते हैं। और कितने परसेंटेज, जैसे सबसे ज़्यादा क्या इसमें मिलाया जाता है, तो लाइम होता है जो 60 से 67% होता है। इसी तरह सारी चीज़ें और इनका फंक्शंस, जैसे कि लाइम का क्या काम होता है, जैसे साउंडनेस प्रोवाइड करना, सिलिका काम क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इसी सभी चीज़ें यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। कौन कौन से सीमेंट के मिक्स किए जाते हैं, एल्युमिना, सिलिका, लाइम वगैरह सब, और उनके पिक्चर्स भी हैं और ये सीमेंट है। आगे चलते हैं और यही पूछते हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं सीमेंट के, जैसे अंबुजा सीमेंट है, ACC है, ये सभी ब्रांड के बारे में पूछते हैं कि एक बैग के अंदर कितना सीमेंट होता है, डेंसिटी कितनी होती है, बल्क डेंसिटी कितनी होती है, उसका वेट कितना होता है, ठीक है। जैसे कि एक सीमेंट का बैग जो 50 किलो का होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट भी पूछते हैं जो कि 3.15 होता है। और सीमेंट बैग के ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं जिससे हम पता कर सकते हैं सीमेंट कैसा है, जैसे किस ग्रेड का है, जैसे कि सीमेंट बैग 53 ग्रेड का है, ग्रेड एंड टाइप्स ऑफ सीमेंट लिखा होता है, ब्रांड का नाम होता है। और यही पूछा जाता है, जो आपने इंटर्नशिप किया है उसके अंदर कौन सा सीमेंट बैग यूज़ किया जाता है, ये भी पूछते हैं। और टाइप्स ऑफ सीमेंट भी पूछते हैं कि जैसे कि कौन कौन से टाइप्स से सीमेंट, OPC है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डिंग, क्विक सेटिंग सीमेंट, सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट, ये सभी चीज़ें। टाइप्स ऑफ ग्रेड, जैसे 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट होता है, 43 भी होता है, 53 भी होता है, और इसके यूजेस भी कहाँ कहाँ होते हैं। टाइप्स ऑफ सीमेंट पूछते हैं कि टेस्ट जो होते हैं सीमेंट में, जैसे फील्ड टेस्ट होता है, लेबोरेटरी टेस्ट होता है, फील्ड टेस्ट में कलर टेस्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट, प्रेजेंस ऑफ लम्प्स, स्ट्रेंथ के बारे में। और लेबोरेटरी टेस्ट में कौन सा होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है, फाइनेस टेस्ट, फाइनेस टेस्ट में कौन सा सीयू यूज़ करता है, 90 माइक्रोन का यूज़ किया जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, इसके अंदर वाटर कितना ऐड किया जाता है, और स्टेंसाइल में कितना ऐड किया जाता है, और कंसिस्टेंसी टेस्ट, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल 30 मिनट्स का होता है, फाइनल 10 आवर्स का होता है, साउंडनेस टेस्ट, जो सीमेंट का जो होता है वो क्या इंक्रीज होता है साइज में, उसके बारे में, इंक्रीज नहीं होता मतलब साउंडनेस है, इंक्रीज होता है तो अनसाउंड कहते हैं। और जो इक्विपमेंट्स उसके बारे में पूछे जाते हैं कि जैसे कि विकेट अप्रेटस, यहाँ पे आपका एग्जांपल के लिए दे दिया मैंने कि इसके जो पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स का नाम क्या है, और इनकी डाया क्या होता है, ये सभी चीज़ें पूछे जाते हैं। और सारे आप देख सकते हैं इक्विपमेंट्स जो भी सीमेंट के टेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, सिली कैटले फ्लास्क के बारे में ही पूछ लेते हैं, जैसे इसके अंदर कैरोसिन मिक्स करते हैं और इसके बाद इसके अंदर सीमेंट मिलाते हैं, उसको थोड़ा स्टिर करते हैं जिससे कि जो भी एयर्स होगा उसको बाहर निकल जाएगा, तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल जाती है। तो इस टाइप के सभी चीज़ें के बारे में पूछते हैं। अब आगे चलते हैं। ब्रिक्स का साइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं हाईलाइट भी कर दिया है, जिसका 90 cm × 9 cm × 9, ये ब्रिक का साइज़ होता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, ये सभी चीज़ें। अब आगे चलते हैं। आपने बताया था जैसे कि ये ब्रिक है और इसके ऊपर और नीचे देख सकते हैं यहाँ पे क्या मोर्टार यूज़ हुआ है, तो इसका जो भी वेट था और लेंथ है, इसके सभी चीज़ें पूछते हैं। तो यहाँ पे साइज़ हम बताया था कि 9 × 9 × 9 होता है, और 1 cm ये मोर्टार का, और ये
प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक की बात करें तो कैसे ब्रिक को बनाया जाता है, तो पहले अनसॉइलिंग की जाती है, फिर डिगिंग खोदा जाता है, फिर वेदरिंग की जाती है, मतलब एटमोसफेयर में रखा जाता है हवा ताकि उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, ब्लेंडिंग की जाती है, मिक्स किया जाता है, टेम्परिंग उसे एक शेप में ला जाता है, मोल्डिंग में, ठीक है, सुखाते हैं, इसके बाद उसे बर्निंग किया जाता है कैलन वगैरह में। ये सभी चीज़ें प्रोसेस ये पूछते हैं कि प्रोसेस बताओ, और बॉन्ड्स के और ब्रिक में क्या है कि कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। ज़्यादातर ये दो फेमस बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। तो इंग्लिश बॉन्ड में पहले क्या होता है, स्ट्रेचर डाल दिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर हेडर ऐसे करके। और फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है कि इसमें स्ट्रेचर फिर हेडर, स्ट्रेचर हेडर ऐसे करके ब्रिक के लेयरिंग की जाती है। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं हर जगह। और जो टेस्ट होते हैं ब्रिक्स के, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, वाटर अब्सॉर्प्शन टेस्ट होता है, एफ्लोरेसेंस टेस्ट होता है, डायमेंशनल साउंडनेस टेस्ट, ये सभी चीज़ें। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में ऊपर से लोड दिया जाता है, सडन लोड भी होता है एक, कि अचानक से 50 किलो का वेट हम डाल दें तो ब्रिक टूटता है कि नहीं। और वाटर जो परसेंटेज पूछते हैं, कितना परसेंट वाटर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। और एफ्लोरेसेंस में वाइट पैचेस जो आ जाते हैं, उसका साइज़ बिल्कुल क्लियर कट है कि नहीं। हार्डनेस टेस्ट, स्क्रैचिंग करते हैं तो जो हार्डनेस पता चलता है, ठीक है। साउंड टेस्ट, उसका साइज़ जो है ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वार्पिंग में टूटना होता है। और कुछ ये ब्रिक है, इसका जो इसे कट करते हैं, जैसे यहाँ पे क्विन क्लोजर कहते हैं, जैसे कि ये ब्रिक है, इसके बिल्कुल सीधाई में से हमने काटा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली काटा हमने, तो एक क्विन क्लोजर है। और ये हमने एक हाफ का भी आधा काटा है तो क्विन क्लोजर क्वार्टर है। किंग क्लोजर जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 डिग्री लगभग काटा है। और ये बेवेल्ड जो कि आगे से जो हेडर है उसका आधा काट के उसके बाद आगे जाके थोड़ा टेढ़ा कर दिया। इसी तरह सभी जो है ऐसे बैट्स का बोलते हैं, इसकी हॉरिजॉन्टली जो आधा कट करते हैं, हाफ बैट बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें मतलब डायग्राम से ही पूछते हैं, तो वैसे ड्राइंग बनाने के लिए भी कह देते हैं। और ये टेस्ट है जैसे क्लैप टेस्ट, दो ब्रिक को एक साथ हम लड़ाते तो एक मेटलिक साउंड आनी चाहिए। ड्रॉप टेस्ट, एक मीटर के हाइट से हम ड्रॉप करते हैं ईंट को तो टूटना नहीं चाहिए। वाटर अब्सॉर्प्शन टेस्ट, जिसमें वाटर के अंदर रखते हैं ब्रिक को। एफ्लोरेंस टेस्ट, जिसमें वाइट पैचेस नहीं आना चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं। हार्डनेस, स्क्रैचिंग करते हैं, ठीक है, यही सब चीज़ें। और नया वीडियो ला रहा हूँ अगला, ये सीरीज पहला ही है, और इसके बाद आगे आते रहेंगे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।